भमोरी थाना अंतर्गत ग्राम मछरिया में चोरों का आतंक, एक साथ तीन घरों को बनाया निशाना, जेवर एवं नकदी सहित 5 लाख रुपया लेकर फरार हुए चोर। भमोरी थाना के अंतर्गत ग्राम मछरिया में विगत रात चोरों ने एक साथ तीन घरों को निशाना बनाया। घर की पिछली दीवार को तोड़कर चोर अंदर घुसे। वहीं हरगोविंद लोधा के घर की दीवार को तोड़ा और बाबूलाल लोधा के घर में भी चोरी का हाथ साफ किया। एक साथ तीन घरों में चोरी के वारदात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं गांव के नंदकिशोर ने बताया कि चोर रात के तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच घर में घुसे होंगे। चोर नकदी समेत सोना चांदी के जेवरात ले गए। आपको बता दें कि जहां इस समय चोरी हुई वहां एक वर्ष पहले भी चोरी हुई थी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस इस मामले में आज तक कोई सुराग नहीं लगा पाई। आखिर कब जागेगी भमोरी पुलिस अपनी कुंभकर्णीय नींद से? एक साल बाद भी जब चोरों को न पकड़े जाने से चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक रात में इसीलिए तीन तीन घरों को निशाना बनाया गया। वहीं अन्य ग्रामीणों का भी चोरी का भय सताने लगा है। इस गांव में तीन घर में चोरी हुई है। अच्छा, क्या नाम है उनका? पहला है मदन लाल लोधा। उनके कितनी हुई है? उनकी हुई 50,000 रुपए ले गए। अच्छा, कुछ जेवर ले गए। अच्छा, दूसरा बाबूलाल पुत्र रामलाल। अच्छा, उनके कितना नुकसान हुआ है? उनका हुआ है 30-40 हजार का करीब। अच्छा, जेवर वगैरह? जेवर ले गए कुछ 2 किलो के लगभग। अच्छा, और पर तीसरा है हरगोविंद पुत्र चंदन सिंह। अच्छा, उनका कितना हुआ है? उनके हुआ है कम से कम 40,000 का नुकसान हुआ। अच्छा जी, और कुछ रकम वगैरह? कुछ जेवर थे 2 किलो के अलावा कुछ सोना, 1 तोला सोना। कब की घटना हुई है ये? करीब रात में 12-1 बजे का समय। अच्छा, मछरिया गांव में चोरी हुई है। इस मामले ये थाना भमोरी के ग्राम मछरिया में रात को चोरी की घटना की जानकारी मिली है और थाना प्रभारी और हमारी टीम वहाँ पर मौके पर गई हुई है और चोरी की घटना की तस्दीक कर रहे हैं और उसमें आवश्यक कार्रवाई करने के थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं।